There, everyone. So today we are going to understand the meaning of this and that and try and use them in our sentences. आज हम this और that का meaning समझेंगे और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है एक sentence में उसको समझेंगे. This means यह, that means वह. हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम this और that का use करते हैं हम हमेशा एक वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं. Whenever we use this and that, we are always talking about a singular noun. For example, I have a house that is right next to me. मेरे पास मैं खड़ी हूँ और मेरे पास में बिल्कुल एक घर है. क्योंकि ये पास में है तो हम यूज करेंगे this. ओके? तो हमारा सेंटेंस बनेगा This is a house. आपको ये ध्यान देना है क्योंकि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लिखते हैं दिस इज अ हाउस, यानी कि यह एक घर है. ओके, नाउ देयर इज अ कार दैट इज स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम मी. एक दूर एक कार खड़ी है, तो व्हाट विल आई राइट? आई विल यूज दैट एंड आई विल मेक द सेंटेंस एज दैट इज अ कार. वह एक कार है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है, सो व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट दिस इज अ पेंसिल बॉक्स, क्योंकि पेंसिल बॉक्स मेरे पास है और जो पास में होता है तब हम यूज करते हैं दिस. अब मेरे से दूर एक पेड़ है, सो व्हाट विल आई राइट? दैट इज अ ट्री, क्योंकि वो पेड़ है और वो मेरे से दूर है. सो जब दूर कोई चीज होती है मुझसे तो हम यूज करते हैं दैट. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास है एक पेंसिल, सो व्हाट विल आई राइट? दिस इज अ पेंसिल. मेरे से दूर एक कैट खड़ी है, तो व्हाट विल आई राइट? दैट इज अ कैट. वेरी गुड. मेरे पास एक डॉग बैठा है, What will I write? This is a dog. Very good. मेरे से दूर एक लायन जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी? That is a lion. Very good, children. I hope you have understood that this is used when something is close to you and it has to be a singular noun. And that is used for something that is far away from you. Again, it has to be a singular noun. जो भी वस्तु हमारे पास होती है हम उसके लिए यूज करते हैं दिस, और जो दूर होती है उसके लिए यूज करते हैं दैट. और हमेशा क्या याद रखना है कि दिस और दैट हमेशा एक वस्तु के लिए, एक थिंग के लिए, एक चीज के लिए यूज होता है. एक से ज्यादा होंगी तो हम दिस और दैट यूज नहीं करेंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर.